आप टोल टैक्स को लेकर के जो आंदोलन, आखिर क्या है वजह? टोल टैक्स को तो इनजस्टिस है पूरी तरीके से, और ये जो है राइट टू इक्विलिटी की हत्या है। टोल टैक्स लोगों के ऊपर जो लगा है, जो जैसे मैं ये कहूं कि सांसद, विधायक, मिनिस्टर और इंक्लूडिंग 38 तरह के और लोग टोल टैक्स नहीं देते, वो टोल टैक्स सड़कों पर नहीं देते, लोगों से टोल टैक्स आप क्यों लेते हैं? किस्त क्यों ले लेंगे आप लोगों से टोल टैक्स? और जब लोगों से आप टोल टैक्स लेंगे तो राइट टू इक्विलिटी कहां जाएगा? 14 से 18 कैसे जीवित रहेगा? और 14 से 18 में कहीं यदि ये लिखा हो, 14, 15, 16, 17, 18 में कहीं ये लिखा हो कि ऑन द बेसिस ऑफ बीआईपी टोल टैक्स में एग्जम्प्ट होगा, तो हमें आप बताइए। और नहीं है तो आपने टोल टैक्स लगाया भी, उसको लागू भी किए हैं, ये तो वायोलेशन है फंडामेंटल राइट का। मैं तो कह रहा हूं कि ऐसी हुकूमत को, ऑनरेबल प्रेसिडेंट को बर्खास्त कर देना चाहिए। एक कोई वायोलेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन या रूल को, रूल ऑफ लॉ अनफॉलो होता है तो आप उसको सजा देते हैं। पूरी गवर्नमेंट आपकी तानाशाही का टैक्स लगाई हुई है, क्यों नहीं तोड़ते हैं गवर्नमेंट को? मैं कल इनका टोल कानून तोड़ूंगा, इसी सहजनवा में, सहजनवा के पहले जो तेनुआ टोल प्लाजा है, मैं प्रेसिडेंट को बता चुका हूं, रिस्पेक्टेड कमिश्नर साहब को बता चुका हूं, आज चिट्ठी लिखा हूं कि मैं टोल कानून तोड़ूंगा। और मुझे कोई पकड़ने की कोशिश नहीं करेगा, इसलिए कि पकड़ेगा तो एक और कानून तोड़ेगा। मैं चिट्ठी 22 तारीख को ऑनरेबल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को भेज चुका हूं कि आप देखिए कि इस तरीके से कहीं कोई कॉन्स्टिट्यूशन वायोलेट होता है यार, कि फंडामेंटल राइट ही घोट गए। और तमाम लोग जिनके पास पैसे नहीं रहते हैं, एक रुपया नहीं रहता है, रोड पर हम जाते हैं और हम टोल टैक्स नहीं दे पाते, हम इतना अपमानित और जलालत होते हैं, वो दो गुना टोल लेते हैं, हम कर्ज लेके टोल टैक्स दे के सड़क पर चलेंगे, और जब इस तरीके से चलेंगे तो हमारा फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम कहां जाएगा? 19B कहां जाएगा, जिसमें लिखा है कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी स्वतंत्रता के साथ जाएगा आएगा। जब हमारे पैर में आप टोल की बेड़ी डाल दीजिएगा तो हम जाएंगे आएंगे कैसे भाई? हम तो इसको ध्वस्त करेंगे, हम एक मिनट भी इस टोल को स्वीकार करने के मुद्रा में नहीं है। मल जी, अक्सर टोल टैक्स से जो पैसे आते हैं उससे ये रोड तो बेहतर होगा ना? ये इतनी फिजूल की बात है कि टोल टैक्स से पैसे आएंगे नहीं आएंगे, ये तो इतनी फिजूल की बात है कि आप कितने तरह के विकास के लिए 100 तरह के टैक्स लेते हैं। गाड़ी पर जब रोड पर जाती है तो उसके डेवलपमेंट के लिए आप गाड़ी रजिस्ट्रेशन और होल टाइम जो है टैक्स लेते हैं, एक्साइज ड्यूटी गाड़ी बनती है तो लेते हैं, तेल में आप टैक्स लेते हैं, बढ़ा के हाइक अप करके आप रोड कमाने का साधन बना दिए हैं। और आप कह रहे हैं कि उससे कमाई होगी तो उससे रोड बनेगा? कल की डेट में रोड नहीं बनता था, 2003-04-07 के पहले नहीं था, जब इस तरह का टोल गाड़ियों पर नहीं लगता था। पुरानी सरकार ने इस टोल को लगाया, 10 रूपये से चालू हुआ, आज जो है एक एक टोल पर 90 रूपया, 100 रूपया, 110 रूपया। क्या डाका का, हिंदुस्तान को डाका का अड्डा खोल के आपने हिंदुस्तान को डकैती का अड्डा बना दिया है, कैसे चलने दूंगा भाई इस चीज को? ये सब बात न कहिएगा कि यही आप लूट के विकास करेंगे देश को, हमारी चमड़ी खींच के विकास करेंगे। मान लीजिए जो भी मतलब आज आगे कोई सवाल ही नहीं है, वीआईपी जो भी लोग हैं, जैसे जो वीआईपी लोग हैं वो अगर रोड पे जाते हैं तो उनसे टोल टैक्स, ये तो नॉर्मली अधिक लोग जा रहे हैं तो भाई आखिर तो देना पड़ेगा, क्यों देना पड़ेगा? वीआईपी प्रेसिडेंट क्यों नहीं टैक्स देता है? क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर टैक्स? जब वो नहीं, हम कह तो रहे हैं कि कानून को जला डालो, कानून के पन्ने को फाड़ के फेंक दो, तब तुम टैक्स लो, कैसे लोगे भाई? ये वर्तमान जो ये कानून है, ये बनाया हुआ महान कानून है, उसको वायोलेट करके कैसे लेंगे भाई? कैसे कलेक्ट करेंगे कानून? इस तरह की तो फिजूल का कोई सवाल ही हमसे न किया जाए। मैं आप पहले कानून को संशोधित करा दीजिए कि वीआईपी जाएगा तो टैक्स नहीं देगा, फंडामेंटल राइट को फेंक दी, निकाल दीजिए कानून के बाहर। और इस तरीके से मुल्क चलता है? मुल्क टैक्स से चलेगा, जहां जाइए वहां टैक्स, खाने पर टैक्स। आर्टिकल 21 आप वायोलेट कर दिए, हमारा चावल, दाल, आटा, तेल, नमक, घी, दवा, हवा, पानी पर टैक्स, जीवन पर टैक्स आपने लगा दिया, किसने कहा ये जुर्म करने का? और आप टोल टैक्स क्यों लगाते हैं भाई? क्यों टोल टैक्स लगाते हैं सड़कों पर? फ्री होके हमें जाने दीजिए, हमारे जेब में पैसा नहीं होता कि हम टोल टैक्स दें, ये जान लीजिए। अरे हम तोड़ेंगे टोल टैक्स। और हमने एक जो है पीआईएल 22 तारीख को हॉस्पिटल से, मैं कल ही रिजिट था तोड़ने का, लेकिन इसी बीच हमारी पत्नी का तबियत बहुत खराब हो गया तो मैंने हॉस्पिटल से, इस समय वो ठीक है, हॉस्पिटल में उनको ब्लड चढ़ाना पड़ा, तो मैंने उसको अपने इस आंदोलन को थोड़ा नरमी बरतते हुए मैंने कहा कि नहीं, अब इसको जो है इसको हम थोड़ा बैक में करते हैं।
और हमने 22 को ही एक पीआईएल सर ऑनरेबल सर्वोच्च न्यायालय को भेजा है। उस पीआईएल में हमने रिक्वेस्ट किया है कि ये राइट टू इक्विलिटी का वायोलेशन है भाई, समानता के मौलिक अधिकार की हत्या है पूरी तरह, कि इतने ये टैक्स नहीं देंगे, हम टैक्स देंगे, हम गुरु प्रसाद हैं तो टैक्स देंगे, और सड़क हमने बनाई, जमीन हमने दिया, हमने टैक्स हम टैक्स दे के देते हैं तो सड़क बनी है, हमने मजदूरी करके बनाई, मिनिस्टर कौन कौन होता है टैक्स लगाने वाला, मंत्री कौन मनमाना होता है टैक्स लगाने वाला, क्या 545 सांसदों ने और 243 अपर हाउस के मेंबर्स ने और 142 करोड़ लोगों ने कहा है कि ऐसा टैक्स लगाइए जिसमें हम गाड़ी पर टैक्स नहीं देंगे और लोग टैक्स देंगे, ये मनमाना आप करेंगे, ये आर्बिट्रेरी रूल लगाएंगे देश के ऊपर, मैं नहीं चलने दूंगा। और ये नहीं यदि मानती है गवर्नमेंट तो मैंने बोला है ना कि सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दायर किया हूं, मैं 25 जनवरी तक वेट करूंगा, ओके, आपके चैनल को डिस्क्लोज कर दूं कि 25 जनवरी तक वेट करूंगा, 26 जनवरी को इनके प्रत्येक टोल पर चढ़ के इनके कानून को ध्वस्त कर दूंगा यदि नहीं टूटा तो। और उसके पहले मैं जानता हूं कि ऑनरेबल कोर्ट से ये टैक्स जो है बंद कर दिया जाएगा, टैक्स नहीं चलेगा, इसलिए कि ये वायोलेट कर रहा है फंडामेंटल राइट को।